आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटहल मसाला बनाने की बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक रेसिपी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने कटहल ले लिया है, ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, बहुत बड़े पीसेस में नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। ये 400 ग्राम कटहल है जिसमें मैं 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेसन हमें इसमें नहीं चाहिए होता है क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। फिर इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के इसको हम कोट करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना होता है हमें, क्योंकि पहले हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कटहल में एक मॉइस्चर होता है जिससे मसाला बेसन जो है इसमें अच्छे से कोट हो जाता है, तो इसलिए पहले बेसन अच्छे से कोट हो जाए, देन जो बेसन नीचे सेटल हो रखा है, बैठ गया है, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमारा जो बेसन है इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है क्योंकि हम इसके पकोड़े नहीं बनाने हैं। तो इसे कोट कर दिया, बेसन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, सिर्फ 1 टीस्पून, और इसमें मैं हाफ पैच बेसन जो मैंने कटल में लगाया था वो अच्छे से फ्राई करूँगी। 70% तक कुक हो जाए, इतनी देर तक हम पलट के इसे फ्राई करते हैं। ये इतना ज़्यादा यम लगता है कि मतलब आप सब्ज़ी क्या आप ऐसे ही इसको खाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी इसे 70% दोनों साइड से कुक कर लूँगी, दोनों बैच अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने अच्छे भी ये बहुत बहुत क्रिस्पी रेडी होते हैं। ट्रस्ट मी, इसको डीप फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे हस्बैंड ने तो इसे पूरा आधा कर दिया मैंने जितने फ्राई किए थे। देन उस ऑयल में थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल के मैंने मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना जैसे ही क्रैकल होगा हम इसमें हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियंस, ये मैंने लंबे लंबे काट लिए, हमें बहुत बारीक नहीं काटना है। तो इसे डाल के, ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हुए हैं, इसको अच्छे से हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल में ना तो हमारे कटहल फ्राई हुए, ना ही हमें मसाले के लिए बहुत ऑयल लगेगा, एंड स्टिल ये बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ, ये मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून मतलब 1 कटोरी जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है इसमें, तो वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके साथ ही हम पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, सॉल्ट आप कम डालना क्योंकि हमने उसको फ्राई करते टाइम भी मिक्स किया था। अब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है जितना तीखा आप खाते हो। ये धनिया पाउडर है और इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, और फिर सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे कि जिससे कि हम इसको अब मेन इसकी होगी भुनाई। तो इसे अच्छे से भूनना है कि मसाला प्रॉपर अच्छे से भुन जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा भूनते भूनते विद इन 5 मिनट्स। तो आपने देखा कितने अच्छे से मसाले भुन गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। और इसी टाइम पे मैंने 2 बड़े टमाटर पीस के इसमें डाल दिया है, इससे एक अच्छी ग्रेवी बनेगी जिसमें हमें बहुत पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छा हमारा कटहल बनेगा। तो टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। तो इसको अब मैं ढक दूंगी पकने के लिए। तो ढकने के बाद जब ये मैंने खोला तो आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर सेपरेट हो गया है, मतलब हमारे टमाटर पक चुके हैं। तो अब इसमें मैं हरी मिर्ची स्लिट करके डालूंगी, मसाले में नहीं डालना है, एंड में स्लिट करके डालना है क्योंकि हमारा जो कटहल है वो ऑलरेडी 70% कुक है, तो हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी उसकी, ना ही हमें प्रेशर कुक करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, हमारे मसाले में ही कटहल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अपना ही बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो आप अपने घर में कसूरी मेथी ज़रूर रखिए, ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको मैं ढक के थोड़ा और पकाऊंगी। तो इसको 5 मिनट बाद फिर खोल के देखिए, तो देखिए कितना टेस्टी मसाला, कितना अच्छा दिख रहा है, रेडी हुआ है। अब बस इसी टाइम पे मैं इसमें कटहल डाल दूँगी जो हमने फ्राई किए थे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी, आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत बहुत पसंद आने वाली है आई एम श्योर।
तो इसको मैंने अच्छे से कटहल को मिक्स कर दिया, आप देख रहे हैं प्रॉपर इसमें मसाला कोट हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी, आपको जितना गीली या जितनी सूखी सब्ज़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए है, सेम ही थे किस ओके। तो इसको अब हम फिर से ढक देंगे जैसे कि पानी भी अच्छे से पक जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब मैं इसे खोलती हूँ और ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारा कटहल मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत बहुत डिलीशियस, बहुत डिलीशियस होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर में। आप कभी भी दूसरी रेसिपी नहीं बनाएंगे कटहल की। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, टेक केयर, बाय बाय।